सपा बसपा की सरकार होती ये वैक्सीन सब बिक जाती बाजार में। अच्छा बताओ, आप लोगों को कोरोना कालखंड में फ्री में राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? और राशन के साथ दाल, तेल और नमक ये भी है कि नहीं है? है ना? क्या 17 के पहले भी मिलता था क्या? 17 के पहले यही राशन सपा की सरकार, सपा के गुर्गे खा जाते थे। और अगर बसपा की सरकार होती थी तो बहन जी के हाथी का पेट ही इतना बड़ा है कि सारा राशन भाइयों बहनों, मोदी जी ने सबका साथ सबके विकास की बात कही, और हम सबका साथ विकास और सबका विकास भी कर रहे हैं। सबको बिजली, सबको सुरक्षा, सबको सम्मान और गरीब कल्याण। देखिए अभी तो ये झलक है, अभी सरकार ने तय किया है कि भाइयों बहनों 10 मार्च के बाद उज्ज्वला योजना के हर लाभार्थी को होली और दीपावली में फ्री में रसोई गैस सिलेंडर। अभी तक हमने 2017 में मैंने प्रारंभ किया था बेटी और बेटे में कोई भेद न हो, तो बेटी जन्म लेगी कन्या सुमंगला योजना में हम 15,000 रुपया देते हैं जन्म से लेकर के स्नातक तक पढ़ाई के लिए। हमने तय किया है अब बेटी के लिए इस राशि को हम 15,000 से बढ़ा करके 25,000 करेंगे। साठ साल से ऊपर की जितने भी माताएं होंगी, बहनें होंगी, उनको फ्री में यात्रा के लिए परिवहन निगम की बस की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। हम लोगों ने ये सुविधा केवल रक्षाबंधन के लिए दी थी, और कॉलेज जाने वाली मेधावी बेटियों को फ्री में स्कूटी भी उपलब्ध करवाई देते थे। फिर इसको बढ़ा करके कन्यादान के लिए 51,000 रुपया किया गया। अब हम लोग इस राशि को बढ़ा करके बेटी की शादी में कन्यादान सरकार की तरफ से 1,00,000 रुपया देंगे। भाइयों बहनों, हमारा नौजवान कैसे छोड़ सकता है? पिछले 5 वर्ष में 5,00,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है हमने, 5,00,000 नौजवानों को, और 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार और स्वतः रोजगार के साथ जोड़ा है। भाइयों बहनों, अगले 5 साल के लिए हम लोगों ने तय किया है उत्तर प्रदेश के अंदर हर एक परिवार के एक सदस्य को नौकरी, रोजगार अथवा स्वतः रोजगार के साथ जोड़ना। 1 करोड़ नौजवान को वर्तमान में हम टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने इसकी कंप्लेंट की है चुनाव आयोग से, हमने तय किया है। अब भाइयों बहनों, हमने तय किया है कि 10 मार्च के बाद इस राशि को इसको हम 2 करोड़ बढ़ा करके 2 करोड़ नौजवान को टैबलेट स्मार्टफोन बिस्तर एक्सेस फ्री। भाइयों बहनों, सपा के लोग परेशान हैं, उनकी परेशानी इस बात को है कि आखिर इतना पैसा कहां से आ रहा है। और एक दिन एक सपा के नेता मुझसे बहस करने लग गए, कहने लग गए कि आखिर बीजेपी का विकास क्या है। मैंने कहा हाईवे है, एयरपोर्ट है, आजमगढ़ में विश्वविद्यालय बना रहे हैं, गोरखपुर से लेकर के वाराणसी के बीच में 4 लेन बन रहा है, हम बिजली दे रहे हैं,
गरीब को राशन भी दे रहे हैं, फ्री में उपचार की सुविधा दे रहे हैं, एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं, और हर धाम जितने मंदिर हैं जितने धाम हैं इनके सुंदरीकरण इनके पुनरुद्धार का कार्य भी कर रहे हैं। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन रहा है ना, कोई संदेह है क्या? काम सपा बसपा के लोग करते हैं क्या? और भाइयों बहनों, मैंने सपा के नेता से पूछा, मैंने कभी इतना काम हम कर रहे हैं, हमने कर्ज भी माफ किया, किसान सम्मान निधि भी दे रहे हैं, आखिर तुम लोगों ने क्यों नहीं किया?